वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ग्रेप्स एंड पियर। सो सबसे पहले मैं आपको ग्रेप्स मींस अंगूर बना के दिखाने वाली हूँ। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और ये इंपॉर्टेंट वीडियो भी है जिसमें से आपका अंगूर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, सो आप ये अंगूर की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करना। और यहाँ आप देख लो कि मैं जो अंगूर है ये बहुत ईजी वे में बना रही हूँ और ये जो हमारा अंगूर का गुच्छा है बहुत ईजी वे में ड्रॉ किया गया है। ऊपर थोड़े गुच्छे और नीचे थोड़े गुच्छे दिखाए गए हैं। ठीक है, और जो इसके पत्तियां हैं मैंने इसमें थोड़ी ही पत्तियां दिखाई हैं, ज्यादा पत्ती दिखाने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहो एक या दो पत्तियां बना सकते हैं, एक्स्ट्रा पत्तियां बनाने की जरूरत नहीं, ना ही आप बनाना, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा वर्क करने लगते हो अपने ड्राइंग पे या फिर इमेज पे तो उसमें क्या होता है कि आपके टाइम ज़्यादा एक्सटेंड होता है और टाइम एक्सटेंड होने लगेगा तो फिर आप नेचुरल ड्राइंग या फिर आलेखन का बनाओगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान में रख करके आप ना ही कुछ एक्सेस मटेरियल बनाएं अपने शेडिंग ड्राइंग में या फिर ना ही कुछ एक्स्ट्रा शेडिंग करें। ठीक है, तो शेडिंग को आप देख लो बहुत इजी वे में शेडिंग करना। हाँ, इजी वे में शेडिंग करने के बाद भी आपका शेडिंग खूबसूरत दिखाई देना चाहिए, इस तरीके से शेडिंग करना है। तो आप यहाँ पे देखो मेरा हर जो और ग्रैप्स का पेटल है, हर जो ग्रैप्स की गोलियां हैं मेरी, वो सारे एक अलाइन में बीच में ही इनके फोकस पड़ रहा है, बीच में ही व्हाइटिश है एंड साइड साइड से ब्लैकिश है। देख, तो आप इन सब चीजों का ध्यान दे दो। और ये जो जो गोली गोली मैं ये निकाल रही हूँ ना, इसके रिंग्स, तो आप वो भी निकालना जिससे यहाँ ये एक क्रैम्पिंग का लुक आता है आपके जो भी क्रैप्स में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हल्का सा रियल लुक आ जाएगा। एंड साइड में आपको अगर शेड देना है तो नीचे से हल्का सा शेड दे दीजिए, जिसको ओवरले शेड कहते हैं। ठीक है, तो इन चीज का ध्यान रखना होगा। एंड द सेकेंड वन इज द पियर। पियर मतलब नस्पाती। नस्पाती बनाना भी काफी ज्यादा ईजी है, बट हाँ ये उतना नहीं पूछता, हो सकता है ये एक्सेप्टेड वीडियो ये शायद पूछा जा सके। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना गाइज, बिकॉज अगर आप हमारे चैनल पे हो तो मेरी जिम्मेदारी बनता है ना कि मैं आपको हर वो चीज़ बताऊँ जो आपके एग्जाम में आने लायक है। अब यहाँ पे पत्ते की बात करें तो पत्ते को देखो मैंने थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाया। ठीक है, मुड़ा हुआ यहाँ पे ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं थी, अगर आप चाहो तो आप सीधा पत्ता ही बना सकते हो। ठीक है, बट हाँ आपको हर वो चीज आना चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए, इसलिए मैंने आपको मुड़ा हुआ पत्ता दिखाया ताकि आप मुड़ा हुआ पत्ता भी सीख सको। और इसकी शेडिंग की बात करें तो शेडिंग में भी क्या है कि आपको जो जो छुपे हुए पार्ट्स है वहाँ पे डार्क कर देना है और जो ज्यादा पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे आपको ग्लोइंग एरिया छोड़ देने। ग्लोइंग एरिया छोड़ने के लिए क्या होता है, वहाँ पे आपको पेंसिल यूज ही नहीं करना होता। गाइस वन मोर थिंग कि आप लोग पूछते हैं क्या चारकोल पेंसिल यूज कर सकते बोर्ड एग्जाम में, तो नहीं, आप चारकोल पेंसिल बिल्कुल भी मत यूज कीजिए, आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज कीजिए। ठीक है, बिकॉज चारकोल काफी ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं और आपके जो शेडिंग एरिया होगी वहां से चारकोल निकल के अदर एरियाज पे स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो हियर यू कैन सी हमारा पियर भी लगभग बनके तैयार हो गया। और इसमें लास्ट स्टेप अच्छा पियर है कि आपको इसमें थोड़े थोड़े डॉटेड दे देना है, बिकॉज जो नस्पाती होती है उसमें आपने रियल में देखा होगा कैसे हल्के हल्के डॉटेड होते हैं। आई होप यू मस्ट एंजॉय दिस वीडियो गाइज। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंटेंट में वीडियो चाहिए तो जल्दी से आप हमें कमेंट कर देना, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक है और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आई थिंक आप काफ़ी अच्छे से कर रहे हो हमारे चैनल के द्वारा। आपने अभी तक क्या क्या बना लिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।